Srinivas for planning. You have Rahul Sharma, your friend and guide, and after a long time coming back to the B.Ed videos. Honestly, काफ सारे students बार बार request आते हैं, sir B.Ed की videos को please दोबारा से शुरू करो, so that we get all the things that be going to come in a paper, हम उसको बहुत अच्छे से clear कर पाए. तो ठीक है, दो चार चीजें clear करते हैं. शुरू में चीजों समझ लेते हैं. sir normally B.Ed के courses अलग अलग होते हैं अलग अलग universities में, तो उसकी टेंशन लेने नहीं है आप लोगों को. आप लोग कॉन्सेप्ट ले करते हैं. अभी फिलहाल में मेजर नॉर्थ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है जो बी एड के कोर्सेज प्रोवाइड करें, तो उनमें क्या क्या करना है, कैसे करना है. ठीक है ना, एग्जाम्पल आप बोलते हो एम डी यू, सी आर एस यू, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो या कुरुक्षेत्र, और उस सबका कोर्स कंटेंट एक ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है. आपने कहा बी एड फर्स्ट ईयर वालों की बात करते हैं, बी एड फर्स्ट ईयर, व्हाट अबाउट बी एड सेकंड ईयर, उनकी वीडियो भी आएगी. ऑनेस्टली मोस्ट प्रॉब्ली आज ही आएगी, तो आप लोग पूरे आराम से क्लियर करोगे. तो हम कैसे करेंगे, तो यहां पे आज हम बात करते हैं सिलेबस फॉर बीएच 22-23 से 22-23 में जो बीएड वाले हैं इनका सिलेबस क्या रहेगा, और इनकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या चेंजेस आए, हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स हमें दिमाग में रखने. दो काम कर लेना, पहली मेरे इंस्टा आईडी इसको फॉलो कर लेना इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प मिल जाएंगी. सीरियसली मैं कई सारे पेपर बीएड के अपलोड करने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, दोस्त हुआ इंटरेस्टेड टू ग्राफ मैक्सिम मार्क्स इन बीएड एंड शॉर्ट्स पैराडाइम के पीछे नोट्स का नंबर दिया गया, नोट्स दे सकते हैं एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ इमीडिएटली. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आपने कहा सर मेरे पास पेपर कितने आएंगे, पांच पेपर है फर्स्ट ईयर में, सीरीज़ पांच जो लिख रहे हैं आप लोगों, सर बाकी जो चार पेपर है जो आपके प्रैक्टिकल्स में होंगे उनके बारे में भी बताऊंगा, जिसकी वीडियो भी बनाऊंगा, ये प्रैक्टिकल प्रिपरेशन कैसे करनी है, किस तरह प्रैक्टिकल से मैक्सिमम मार्क्स लेके आओगे. तो फिलहाल बात करते हैं सबसे पहले पेपर की, जो पेपर में आना ही आना है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर पेपर, पेपर जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ऑनेस्टली इसको 100 मार्क्स का पेपर आ गया, 100 मार्क्स जो डिवाइड हुआ है 80 एंड 20 में, 20 आपको प्रैक्टिकल्स के मिलेंगे, सीरियसली आपने कहा सर प्रैक्टिकल्स के 20 मिलेंगे, 80 नंबर का पेपर होगा. 80 नंबर का पेपर कैसे पार्ट आउट होगा पहले क्लियर कर देता हूं, 12 12 नंबर के चार क्वेश्चन होंगे, 12 मार्क्स ईच, सर 12 फोर का ये होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स चार ही रहेंगे, चॉइस नहीं हो गया, चार के चार आपको कट होंगे, हर यूनिट से एक होगा. फिर आपके पास होंगे सेक्शन वाइज, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, दो दो क्वेश्चन देंगे, इनमें से एक करना होगा. 16 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यार, 16 मार्क्स. तो सर इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनकी वीडियो प्लीज आप जल्दी डालना, मतलब हमेशा वीडियोज मिल जाए, so that we can start our preparation, कि हम कर लें और बस हम मौके में चौका मारें, and that get maximum, seriously you're going to get the video very soon जिसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर यू अपकमिंग एग्जाम. तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वन ऑफ द बेस्ट पेपर, ऑनेस्टली सर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑनेस्टली चाइल्ड साइकोलॉजी सीडेट का पेपर किया हुआ है फर्स्ट वाला, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप बड़े आराम से समझ जाओगे साइकोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट को, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मतलब काफी सारी थ्योरीज हैं जो यहाँ आएंगी जो हमें क्लियर करनी है. तो इस पेपर की प्रिपरेशन तो आज से ही शुरू कर दो. इफ यू डोंट हैव द बुक्स टिल नाउ फॉलो द वीडियोस, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे वीडियोस को. बीएड की ऑलमोस्ट 200-300 वीडियोस होंगी कम से कम चैनल पे, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है बीएड की, तो आप जाके आराम से तसल्ली से देख सकते हो कि यार अब हमने शुरू कर देनी है प्रिपरेशन. और इसके अलावा अगर किसी को डाउट आता है, किसी को प्रॉब्लम होती है, तो भाई मैं अपना नंबर देता हूँ बच्चों के लिए, नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हो, व्हाट्सएप कॉल मत करना यार,
तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट हाउ वी आर गोइंग टू प्ले ईच एंड एवरीथिंग। जंप अप टू द सेकंड सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट को समझना इंपॉर्टेंट है, हम कैसे क्लेमिंग करने का तरीका क्या है। सेकंड पेपर इज कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यस, अब आपने ना कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अब इसको कैसे समझना, हमें समझने का तरीका क्या होगा, सॉरी हम कैसे चीजें क्लियर करेंगे। सर एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा, 100 मार्क्स 80 20 16 4 4 4, इसमें कोई चेंज नहीं। एक चीज बताता हूँ, बी एड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ये पेपर सबसे टफ पेपर में से होता है बी एड के, द टफेस्ट पेपर फॉर बी एड स्टूडेंट। द रीजन इज we do have articles, we do have sections, we do have different theories, we do have different policies, we do have different education theories जो हमें on tip करनी पड़ेगी इस paper के लिए, चाहे Macleminates हो, चाहे वो first education policy हो, चाहे second education scheme हो, चाहे कोठारी commission हो, चाहे Adam का concept हो जो उसने दिया था कि आप कैसे clear करोगे, चाहे वो आपके पास 1991 में जो प्लान आया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसके बारे में, वो नेप जिसको बोला गया, या वो आपका हो थ्योरीज बेस्ड ऑन एजुकेशन, वो सारे के सारे आपको ऑन टिप होने चाहिए। प्योर की बात नहीं कर रहा, प्लान ऑफ एक्शन की बात नहीं कर रहा, हाँ ये आपको दिमाग होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी का पार्ट है, साजन प्लान भी इसी का पार्ट है, तो सब आपको इस पेपर में पढ़ना होता है। भाई फर्स्ट ईयर में है तो आपको पता होना चाहिए भाई किस पेपर में कितनी मेहनत करनी है। तो यहां बता रहा हूं भाई, ये वो पेपर है जहां सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो इसको घोड़ के भी जाना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर। अच्छा इस पेपर का आगे भी बहुत काम आने वाला है, झूठ बोल रहा हूँ, कोई काम नहीं आने वाला, लेकिन हाँ यहाँ पे पेपर आपको ऑन टिप होना चाहिए। हाँ एमएड करो तो डेफिनेटली काम आएगा, पूरा काम आएगा, थोड़ा बहुत ही पूरा काम आएगा एमएड वालों के लिए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ टीचर बनना कि बी एड किया टीजीडी पीजीडी बने दैट्स ऑल, हमें एमएड करके प्रिंसिपल नहीं बनना, तो उनके लिए कोई काम नहीं आएगा, एक्सेप्ट अगर पॉलिटिकल के टीचर है तो पॉलिटिकल टीचर तो डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। अब आते हैं थर्ड पेपर के ऊपर, दैट इज लर्निंग एंड टीचिंग। अब ये लर्निंग एंड टीचिंग को कैसे पढ़ना है, ये मेरा फेवरेट पेपर है, द रीजन टीचिंग एंड लर्निंग कम्स हियर। तो आपने कहा लर्निंग एंड टीचिंग, नाउ व्हाट इज लर्निंग एंड टीचिंग, जब लर्निंग और टीचिंग की बात करते हैं तो दो चीज दिमाग में आती है, क्या लर्निंग टीचिंग को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट होगा, लर्निंग टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंशिएशन क्या होती है। सर यहाँ पे भी थ्योरीज आती है, यहाँ पे भी थ्योरीज के साथ कंडीशन आती है, यहाँ पे अलग अलग चीजें आती है, यहाँ रोल ऑफ टीचर के क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है रोल ऑफ टीचर। अच्छा सॉरी, अब रोल ऑफ टीचर क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, करने का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एक चीज को क्लियर करेंगे बिगनिंग से लास्ट तक आपको समझ आना चाहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर कर पाएंगे, ये सारी चीजें आपको बिगनिंग से लास्ट तक बताऊंगी। तो रोल ऑफ टीचर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड थिंग्स दैट यू गाइस नीड टू कीप इन माइंड, सब यहाँ पे ध्यान रखना है। आपने कहा सर इसको कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलोअप है, इन पे प्लीज काम करना। तो वन ऑफ द इजिएस्ट पेपर आपके चाइल्डहुड ग्रोइंग अप इज लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बाद आता है आपके दो पेपर जिसको आप बोलते हो पैडागॉजी। सर पैडागॉजी मतलब हो सकता है वो आपने मैथ्स लिया हो सकता है आपने इंग्लिश लिया हो जो मैंने लिया था, हो सकता है आपने इकोनॉमिक्स लिया हो जो मैंने लिया था, हो सकता है आपने सोशल साइंस लिया हो सकता है फिजिक्स लिया हो, केमिस्ट्री लिया हो, बायो लिया हो, डेफिनेटली कुछ भी ले सकते हो, काफी सारी चॉइस हैं। पैडागॉजी बेसिकली वो पेपर होते हैं जो आपके टीचिंग पेपर होते हैं। यस, दो पेपर आपके पैडागॉजी पेपर होंगे। पैडागॉजी पेपर्स, ये दो पेपर आपके। तो फर्स्ट ईयर में आपके होंगे पांच पेपर, पांच पेपर से तीन मैं बता चुका हूं, दो पेपर आपके टीचिंग पेपर्स हैं। अभी टीचिंग पेपर सर कौन कौन से हम कर रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कैसे शुरू की जाएगी, हम कैसे उसको परफेक्ट वे में लेके आएंगे, एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट,
ये सारी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक ऑन टिप कर रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अब मैं रेगुलर वे में बीएड पे वापस आ चुका हूं। बीएड की वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं क्वेश्चन भी डालूंगा कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको प्रिपेयर कर लो, और अगर उनमें कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मेरे इंस्टा आई डी आप फॉलो कर चुके होंगे अभी तक, दैट इज @classyrahul, यही मेरे इंस्टा आई डी, खाली इसके अलावा कोई नहीं है, मेरा नंबर पीछे दिया गया, इसके अलावा कोई नंबर नहीं यूज करता मैं, ठीक है। तो भैया जो फॉट्स हैं उनसे बच के रहना, मेरी फोटो लगा के कई लोगों में बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग समझदार आप नहीं बनेंगे, आए लोग इसको फॉलोअप कर लेना। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।